दोस्तों, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कोविड-19 के केसेस वर्ल्ड वाइड और कंट्री वाइज मेरिट बनी है। आप देख पाएंगे फर्स्ट नंबर पे यूएसए, ब्राजील, रशिया, इंडिया, पेरू ऐसे हैं। और दोस्तों, यहाँ पे सारी जो लिस्ट दी गई है, इन्हें सेपरेट किया गया है अकॉर्डिंग टू वेरियस डेटा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इस डेटा को समझेंगे और बताएंगे कि आखिर इंडिया के हालात क्या होने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप यहाँ पे कंट्री वाइज देख रहे हैं इनकी टोटल केसेस हैं। तो सबसे ज्यादा यूएसए, ब्राजील, रशिया, इंडिया है। इंडिया और रशिया के बीच में फासला भी 611 केसेस का टोटल है। रशिया में 611 मामले भी कम हैं। और यहाँ पे न्यू केसेस जो आते हैं उनके बारे में बताया जाता है, टोटल डेथ सभी तक कितनी की डेथ हुई है और न्यू डेथ्स ड्यू टू कोविड-19, यहाँ पे टोटल रिकवर कितने हुए हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे ये है कि जितने भी रिकवर हो रहे हैं, तो आप कई बार न्यूज पे सुन रहे होंगे कि कोरोना टेस्ट जब होता है तो कई बार निगेटिव आता है, देन अचानक से पॉजिटिव आ जाता है। ऐसा मतलब फ्लक्चुएट करता है इसका डेटा। तो ऐसे में दोस्तों, क्या है कि जितने यहाँ पे रिकवर हो रहे हैं, तो हम 100% श्योरली नहीं बोल सकते कि वो 100% रिकवर हो गए हैं, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है। फिर भी अगर ऐसा हम एज्यूम कर भी चलते हैं, तो भी हम देखिए आगे समझते हैं कि अभी एक्टिव केसेस इतने रहे, जितना भी आपके रिकवर हो गए उनको आप माइनस कर देंगे टोटल केसेस में से, तो ये जितना भी है आप इसे देख पाएंगे। आप यहाँ पे दोस्तों कि डेथ्स जो पर 1 मिलियन पॉपुलेशन है, मतलब 10 लाख में से कितने लोगों की डेथ हो रही है, तो आप यहाँ पे देखेंगे यूएसए में 400, ब्राजील में 303। और कंट्री वाइज आप देख पाएंगे, यहाँ पे आपको एक बात नोटिस करनी है, जो कंट्री जितना ज्यादा डेवलप है, जितना ज्यादा वो कंसियस है कोविड के प्रति, वहां उतनी ज्यादा डेथ्स हो रही हैं। लाइक आप यूएसए में देखिए 400 है, और यहाँ आप ये देख पाएंगे टोटल टेस्ट कितने टेस्ट हुए, और टेस्ट 1 पर मिलियन। तो यहाँ पे आपको पर मिलियन पे भी देखना है, मतलब 10 लाख लोगों के बीच में कितने लोगों का टेस्ट किया जा रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे लगभग 10% भी ज्यादा है यूएसए में, लाइक 1,11,634 वहां पे टेस्ट किए जा रहे हैं। वहीं पे अगर आप इंडिया को देखें, तो यहाँ पे टेस्ट किए जा रहे हैं 7,093 टोटल। आप यहाँ पे गैप एज्यूम कर सकते हैं कि अमेरिका में 10 लाख लोगों में से 1 लाख से ज्यादा लोगों का टेस्ट किया जाता है कोविड-19 के लिए, जबकि इंडिया में केवल 7,000 है। कितना छोटा अमाउंट है आप ये देख पाएंगे। एंड दोस्तों, यहाँ पे आप इंडिया और पेरू, स्पेन, चिली देखें, और जहां पे आपको लाइक यूके मिल रहा है, इटली मिल रहा है, या फिर आपका ब्राजील, रसिया, यूएसए, इनमें से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं लाइक यूएसए, यूके और रसिया, तो आप यहाँ पे देखेंगे इनके टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं। लाइक यहाँ पे मोर देन 1,10,000, मोर देन 1,40,000 रसिया में हो रहा है। एंड सबसे ज्यादा आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यूके में हो रहा है, ग्रेट ब्रिटेन में 1,52,000। तो यहाँ पे दोस्तों, ये देखिए जिनकी डेथ हुई है, जहां जितने ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं वहां उतनी ज्यादा डेथ्स हो रही हैं, मतलब कि कोविड की वजह से कितने लोगों की जाने जा रही हैं, ये वहां पे टैली सही सही हो पा रहा है। और जबकि आप इंडिया पे देखेंगे तो वनली 14 डेथ्स हो रही हैं टॉप 1 मिलियन में, तो जो कि ये काफी कंट्राडिक्टरी लगता है। तो इसीलिए आप देख पाएंगे जहां जहां जितने भी ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं वहां उतने ज्यादा डेथ्स काउंट हो रही हैं। तो ये सारा का सारा मैटर है, सारा सारा ये फर्क है एक डेवलपिंग कंट्री और एक डेवलप्ड कंट्री के बीच में। तो इंडिया में आप आगे ये मान के चलिएगा कि ये केसेस बहुत तेजी से बहुत आगे जाएंगे, हो सकता है कि इंडिया टॉप पे आ जाए। और क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कि जो और कंट्रीज हैं, लाइक आप यूके की देखें, तो यहाँ पे जो मामले हैं वो भी काफी ज्यादा हैं, डेथ्स भी काफी ज्यादा हैं। यहाँ पे जो डेटा इनके रिलीज हो रहे हैं, लाइक यहाँ पे टोटल डेथ्स और टोटल टेस्ट, ये भी काफी हाई है। तो यहाँ पे इनकी जो पॉपुलेशन है वो इंडिया से बहुत कम है, और इंडिया की 1 अरब से भी ज्यादा है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ मामले आए दिन काफी देखने को मिल जाएंगे अगर टेस्टिंग बढ़ती है तो। लेकिन अगर ओवरऑल व्यूज देखा जाए, तो इंडिया में टेस्टिंग अभी उतनी ज्यादा है नहीं, टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। इसी वजह से आप कई सारे न्यूज़पेपर भी अगर उठा के देखें, वहां भी ऐसे मामले आ रहे हैं कि टेस्टिंग छुपाई जा रही है, कोविड-19 के पेशेंट्स के नंबर्स कम बताए जा रहे हैं, ताकि उस राज्य का, उस स्टेट का, उस रीजन का नाम बदनाम ना हो एज पर इंडियन मेंटेलिटी। तो यहाँ पे दोस्तों, अगर हम ओवरऑल व्यू देखें, तो आप यही पाएंगे कि इंडिया में काफी तेजी से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और टेस्ट अभी भी, अभी लगभग 4-5 महीने होने को आए, लेकिन इंडिया में अभी
टेस्ट करने की जो क्षमता है वो भी काफी कम है, बहुत ही कम है। आप यहाँ पे जितने भी कंट्रीज देखेंगे इक्का दुक्का को छोड़ के सबसे पीछे इंडिया ही है टॉप में। तो दोस्तों होप है कि आप समझ पा रहे होंगे कि इंडिया में मामले काफी तेजी से बढ़ेंगे, इसलिए आपको केयर करना है, आपको सेफ रहना है, आपको डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो खत्म करता हूँ। थैंक्स लॉट गाइस।